नौकरी की राह देख रहे झारखंड के अभ्यर्थियों की साल भर की बेसब्री अब इसी महीने समाप्त होने वाली है। 7 बार जिस बदली गई सीजीएल परीक्षा की तारीख का फिर नोटिफिकेशन आया है। अब 21 और 22 सितंबर को आखिरकार जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा आयोजित होने वाली है। जेएसएससी ने बाकायदा इसे लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। एग्जाम में आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड 17 सितंबर को डाउनलोड के लिए आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेंगे। एडमिट कार्ड ऑनलाइन माध्यम से जेएसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट jssc.nic.in पर जारी होंगे, जहां से अभ्यर्थी अपना डिटेल दर्ज कर इसे डाउनलोड कर सकेंगे। एक अंग्रेजी में कहावत है, इफ यू कैनॉट कन्विंस देम देन कंफ्यूज देम। यही कहावत के चलते इन लोग करता है। बस हाँ, निकाल दिए हैं, एक नियमावली दे देते हैं कि लड़का लोग फिर बिजी हो जाएगा, अपना हो जाएगा। झारखंड 5 पर मंडल बचा हुआ, और जिस दिन 5 पर मंडल एक होगा, ये मुट्ठी बनेगा इस ठग बंधन की सरकार को। अब फ्री पहला मांग है छात्र का, फ्री एंड फेयर एग्जाम होना चाहिए। किसी भी सूरत में धांधली नहीं होना चाहिए, ना लीक होना चाहिए, ना किसी भी, ना सोशल मीडिया में, ना जितना भी दलाल लोग, जितना भी बाहर लैब असिस्टेंट का एग्जाम हो गया, पीजीटी का एग्जाम हो गया, और जितना इन लोग विद्वान लोग हैं ना, अभी सबका लिस्ट निकाल रहे हैं। और सब अभी हम किताब उताब से नहीं पढ़ेंगे, अब उन्हीं लोग से पढ़ने जा रहे हैं। इतने प्रोफेसर लोग, अच्छा अच्छा से HOD लोग नहीं सकेगा बनाने, पर इन लोग 150 में 158 149 इतना कट ऑफ जाता है। हम लोग बुड़बक है, हम लोग यहाँ पैसा नहीं है तो कुछ भी आप लोग कर दीजिएगा। और जिसके पास पैसा उन लोग नौकरी लगा, हम लोग यहाँ का कर घास छीलेंगे बस। झारखंड का मतलब क्या समझे, झारखंड अब झारखंडी का रहे, कोई बाहर ही नहीं घुसेगा। जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा अभ्यर्थियों के लिए लंबा इंतजार है, कई सालों की आस है। टूटती हर आस पर परीक्षा की तारीख मरहम लगाता रहा है। घाव थोड़े भरते नहीं थे कि फिर कभी पेपर लीक तो कभी वजह कुछ और। नए घाव अभ्यर्थियों को मिले। पिछले 9 साल से जेएसएससी सीजीएल की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है और अब तक वजहों के साथ अधर में ही लटकी हुई है। 7 बार जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा की तारीख बदली गई और हर बार ये परीक्षा किसी न किसी वजह से टाल दी जाती रही। हालांकि 8वीं बार इसी साल 28 जनवरी और 4 फरवरी को ये परीक्षा आयोजित जरूर की गई थी, लेकिन पहले पेपर के दिन यानी 28 जनवरी को ही परीक्षा के बाद पेपर लीक का मामला सामने आया और हंगामे के बीच इस पूरी परीक्षा को रद्द करनी पड़ गई। अब 9वीं बार इस परीक्षा का आयोजन 21 और 22 सितंबर को होने जा रहा है। इसका गारंटी नहीं है, लेकिन सभी स्टूडेंट्स एक कहना चाहते हैं कि लास्ट समय तक मोबाइल देखें, पता नहीं कब क्वेश्चन लीक हो जाए। लीक हो जाती है, लास्ट समय भी लीक हो जाती है। सोशल मीडिया बहुत पावरफुल है, आ जाएगी, है ना। इतना तो उम्मीद रखते हैं कि हेमंत सोरेन के ऊपर की फेयर एग्जाम नहीं ले पाएगी, क्योंकि इतना सब भ्रष्ट जो बैठे हुए हैं ना सब। जैसे आपका एक एग्जाम हुआ था 28 को, दूसरा एग्जाम 4 को है, 4 को था ना, तो 4 का क्वेश्चन पेपर कहाँ है? वो तो अभी लोक में, लोकर में ही है, उसी को बांटा जाएगा, और वो पहले से निकल चुकी है। ये आप कैसे कह सकते हैं कि पहले से निकल गई? यह सब जो है ना, क्या बोलेंगे, आपका सूत्रों के हवाले से पता चला है। 25 चल रहा है रेट, सुने हैं सूत्रों के हवाले से पता चला है। जैसे उन लोगों का सूत्र होता था, हम लोग का भी सूत्र है, थोड़ा बहुत स्टूडेंट का सूत्र है। हालांकि जेएसएससी का दावा है कि इस बार की परीक्षा को लेकर तैयारियों के साथ साथ सतर्कता पूरी तरह से है, इसलिए परीक्षा के महज 4 दिन पहले ही एडमिट कार्ड उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जेएसएससी सीजीएल अभ्यर्थियों की टूटती हिम्मत पर यकीनन परीक्षा की ये नई तारीख आस और उम्मीद जैसी है कि बस सही सलामत हो जाए ये परीक्षा। झारखंड सीजीएल परीक्षा में विभिन्न कुल पदों पर 2025 पदों पर वैकेंसी है, जिसमें कई पद हैं। ब्यूरो रिपोर्ट 99 न्यूज़।